वास्को डिगामा एक खोजी नाविक थे। उनका जन्म 1460 में पुर्तगाल में हुआ था। वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अफ्रीका महाद्वीप का चक्कर लगाकर यूरोप से भारत पहुंचने में सफलता हासिल की थी। वास्को डिगामा का बचपन साइनस नाम के कस्बे में बीता था, जो कि समुद्र के किनारे पर स्थित था। उनके पिता को राजशाही द्वारा नाइट की उपाधि मिली हुई थी और वो एक खोजी नाविक थे। वास्को डिगामा ने आगे चलकर अपने पिता का ही व्यवसाय चुना और वो भी समुद्र में यात्रा के लिए जा रहे जहाजों की कमान संभालने लगे। भारत के मसाले यूरोप में बहुत ज्यादा लोकप्रिय थे, लेकिन उस समय यूरोप वासियों को भारत जाने वाले जिस इकलौते रास्ते के बारे में पता था वो जमीन से होकर जाता था। ये रास्ता राजनीतिक मुश्किलों से भरा होने के साथ साथ काफी खर्चीला और खतरनाक भी था। पुर्तगाल के राजा का विचार था कि अगर वो समुद्र के जरिए भारत जाने वाले किसी रास्ते के बारे में पता लगा लें तो वो यूरोप में मसालों के व्यापार से काफी ज्यादा अमीर बन सकते हैं। उस समय समुद्र के जरिए यूरोप से भारत पहुंचने का विचार एक अन्य पुर्तगाली खोजी बार्टोलोमियो डियाज द्वारा दिया गया था। उन्होंने केप ऑफ गुड होप की खोज की थी, जो कि अफ्रीका महाद्वीप के बिल्कुल दक्षिण में स्थित समुद्र तट पर बसा एक स्थान था। माना जाता था कि वहां से पूर्व की ओर जाने वाले जहाज भारत पहुंच सकते थे। राजा द्वारा वास्को डिगामा को कुछ जहाजों और आदमियों के साथ केप ऑफ गुड होप के रास्ते से भारत जाने वाले रास्ते को खोजने के लिए कहा गया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर व्यापार के नए मौके हाथ लगें तो उनके बारे में भी पता लगाएं। वास्को डिगामा 8 जुलाई 1497 को 4 समुद्री जहाजों और 170 आदमियों के साथ पुर्तगाल के तट से रवाना हुए। पहले वो दक्षिण की तरफ केप ऑफ गुड होप की ओर गए और 22 नवंबर को वहां पहुंच गए। इसके बाद वो अफ्रीका के तट के साथ साथ उत्तर की ओर बढ़े और रास्ते में व्यापारिक बंदरगाहों पर पड़ाव डालते गए। 14 अप्रैल 1498 को मालिंदी बंदरगाह पर पहुंचने पर उन्हें वहां के एक स्थानीय नाविक से भारत की ओर जाने वाली दिशा के बारे में पता चला। इसके बाद मानसून हवाओं की सहायता से वास्को डिगामा का खेमा भारत की ओर चल पड़ा और 20 मई 1498 को भारत के केरल राज्य के कालीकट नामक स्थान पर उन्होंने अपने कदम रखे। कालीकट को मलयालम भाषा में कोझिकोड भी कहा जाता है। इस तरह से वास्को डिगामा को भारत पहुंचने में लगभग 10 महीने का समय लगा। कालीकट पहुंचने पर वास्को डिगामा के दल की स्थानीय राजा से मुलाकात हुई। वास्को डिगामा ने राजा से व्यापारिक सहूलियत लेने की कोशिश की, लेकिन उनके मुस्लिम दरबारियों ने इस काम में अड़चन पैदा की। ये इसलिए क्योंकि पुर्तगाली ईसाई थे। अगस्त 1498 में वास्को डिगामा ने अपने देश की ओर वापसी का रास्ता पकड़ लिया, लेकिन वापसी का यह रास्ता विपरीत मौसम की वजह से काफी खराब रहा और उनके दल के आधे से ज्यादा व्यक्ति बीमारियों की वजह से मारे गए। लेकिन देश वापस पहुंचने पर वास्को डिगामा का जोरदार स्वागत हुआ, क्योंकि उन्हें जिस काम के लिए भेजा गया था वो उन्होंने पूरा कर दिया था। बाद में उन पर कई इनामों की बरसात की गई। इसके बाद वास्को डिगामा को 2 बार और भारत जाने का मौका मिला। उन्हें भारत जाने वाले समुद्री दल का मुखिया बनाकर भेजा गया था। उनकी इन यात्राओं से पुर्तगालियों का भारत के साथ व्यापार काफी बढ़ गया था और साथ ही साथ उनकी शक्ति भी काफी बढ़ गई। तीसरी बार भारत पहुंचने के कुछ समय बाद ही वास्को डिगामा की मलेरिया की वजह से 23 दिसंबर 1524 को मृत्यु हो गई।